कहानी वेयर इज माई वाटर की। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशुदा होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेयर इज माई वाटर गेम की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर। सो वीडियो को पूरी देखना एंड कमेंट्स में बता देना वीडियो कैसी लगी। ओके सो चैनल पे नहीं हो ना, सो भाई चैनल को अभी तक क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स में बताना नेक्स्ट स्टोरी कौन सी गेम पर चाहिए। सो गाइस, मैं जो हूँ वेयर इज माई वाटर की मैं क्लिप भी लगा सकता था, यानी एनिमेशन क्लिप भी लगा सकता था, लेकिन उस पर स्ट्राइक आने का या फिर क्लेम आने का खतरा था, जिस वजह से मैं इसे लेना नहीं चाहता भाई। एंड एक स्ट्राइक पहले से आ रखे चैनल पे, दो स्ट्राइक पे वीडियो अपलोड करना भी बंद हो जाएगा। सोच लिया यार, यहाँ से हम लोग अपनी वेयर इज माई वाटर गेम की रियल लाइफ स्टोरी को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ ये बात जब की है जब एक आदमी को मगरमच्छ पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो उसने जो है दोस्तों, उसके पास घर था, घर के पीछे एक तालाब था जिसमें उसने पानी भर रखा था। एंड दोस्तों पानी जो है वो वहाँ से सूख चुका था, एंड सूखने के बाद जो है वो मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे लेकर के आया हुआ था। उसने मगरमच्छ को शुरू से ही पाला था, यानी जब वो मगरमच्छ जब पैदा होते हैं ना, जब शॉप से ले आके उसने दोस्तों पेट शॉप से ले आके उसने अपने तालाब के अंदर मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे डाल दिए थे। एंड उनकी रोज़ देखभाल करता, रोज़ पानी बदलता। एंड उन्हें दोस्तों एक बात बहुत अच्छी करवाई हुई थी कि नॉन वेज उनको मगरमच्छों को बिल्कुल भी नहीं देता था, जो भी देता बेच देता, पेट शॉप से लेकर के आता मगरमच्छ का खाना उन्हें वही देता। सो दोस्तों ऐसे करते 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 जो है मगरमच्छ धीरे धीरे बड़े होते गए। एंड दोस्तों और जो वो पालता था वो पानी डालना भी उसने कम कर दिया था, यानी मगरमच्छ की देखभाल करनी भी उसने कम कर दी थी, क्योंकि जब नया नया शौक होता है तो नई नई हर एक चीज़ होती है। एंड उसने जो धीरे धीरे करके मगरमच्छ को पानी वानी देना, खाना पीना देना बंद कर दिया। एंड जो तालाब जो था दोस्तों वो बिल्कुल ही सूख चुका था। एंड मगरमच्छ भी जो है बड़े हो गए थे और अपने मालिक से बहुत परेशान हो गए थे कि ये ना हमें पानी में रख रहा है और ना ही हमें कुछ खाने को ढंग से दे रहा है, हम पतले हो रहे हैं। सो ऐसे ही वो कहते, लेकिन जो मालिक था वो दोस्तों काम में बिजी रहने लग गया था, अपना यानी और भी वो काम करता था जिसकी वजह से वो बिजी रहने लग गया था, उन मगरमच्छों की देखभाल वो नहीं कर पा रहा था। सो मगरमच्छ दोस्तों वो अपने घर से बाहर निकल के रोडों पर चलने लग गए, जिसकी वजह से लोग जो है उन मगरमच्छों से डरने लग गए थे, क्योंकि मगरमच्छ कोई आसान बात नहीं है, बहुत खतरनाक हो जाते हैं मगरमच्छ भी। सो मगरमच्छ जो है दोस्तों रोड पे निकलने लग गए। एंड उससे दोस्तों कई सारी पब्लिक ने मिलके उसकी कंप्लेंट कर दी उस आदमी की पुलिस स्टेशन में कि अपने मगरमच्छ को संभाल नहीं सकता, रोड पे फेंक रहा है, किसी की जान का भी खतरा हो सकता है। सो दोस्तों धीरे धीरे करके जो है उसको मालिक को पुलिस ने पकड़ लिया एंड उसको अरेस्ट कर लिया। और मगरमच्छ को जो है दोस्तों मगरमच्छ को उन लोगों ने जहाँ पे पेट शॉप थी वहाँ पे दोस्तों देखभाल के लिए वापस दे दिया। सो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। तो स्टोरी में दोस्तों ये था कि अगर हम कोई भी पेट को पालते हैं तो उसकी दोस्तों देखभाल तो बनती है शुरू से लेके आखिरी तक। अगर दोस्तों आप लोग पेट नहीं पाल सक यानी देखभाल नहीं कर सकते तो पालना भी उसको नहीं बनता चाहिए, बिल्कुल भी कोई सा भी पेट मत पालो। अगर आप उसकी देखभाल, आपको ये पता है कि हमारे घर में कोई नहीं रहता या कुछ भी है, सो पेट जो है नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि पेट भी जो है परेशान हो जाते हैं अकेले अकेले। सो दोस्तों इसी की सजा उसको पुलिस स्टेशन में जाके मिली एंड पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उस पर कुछ खतरनाक वारंट्स लगाए जिसकी वजह से उसको जेल है अब। सो दोस्तों ये वाला जो गेम है ये इसी स्टोरी के ऊपर देख के बनाई गई है एंड गेम का नाम भी रखा गया है वेयर इज माई वाटर। सो वेयर इज माई वाटर भी गेम का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्हें जो है अपने मगरमच्छों को पानी नहीं मिलता, वो तालाब सारे सूख गए थे और ना उन्हें खाना मिलता था ना कुछ। सो मगरमच्छ भी बहुत परेशान हो गए थे अपने मालिक से और पब्लिक भी बहुत परेशान हो गई थी। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी। एंड एनिमेशन इसलिए नहीं देखा सकता बिकॉज स्ट्राइक आने का बहुत बहुत चांसेस होते हैं। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, चैनल पे नहीं होना तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत देना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट।